CAQM ने ग्रैब के चार चरण बनाए हैं, जिसमें 200 से 300 के बीच में जब एक QI होता है तो ग्रैब 1 लागू होता है, 300 से ऊपर जब एक QI बढ़ता है तो ग्रैब 2 के नियम लागू होते हैं। चूंकि एक QI 300 के आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब पूरे उत्तर भारत में NCR में ग्रैब 2 के नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं। जिसका मकसद क्या है? मकसद यह है कि चूंकि मौसम जब विपरीत हो रहा है, पोल्यूटेंट हैं जो प्रदूषण के कण हैं वो वायुमंडल में नहीं जा रहे हैं, तो कैसे जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और उसके लिए ग्रैप 1 से ग्रैप 2 में मुख्य तौर पर 5 नए पहलकदमियों को जो है वो शामिल किया गया है, जिसमें पहला जो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग का जो काम था, पानी का छिड़काव था खासतौर से हॉट स्पॉट्स पे, अब जो है डस्ट सेपरेशन का पाउडर मिलाकर के छिड़काव किया जाएगा जिससे कि देर तक वो मिट्टी जो है वो दबी रहे। दूसरा, जो RWAs हैं उनको हीटर प्रोवाइड करना है जिससे कि लोग बायोमास बर्निंग ना करें, आग ना जलाएं। तीसरा, जो डीजल के जनरेटर सेट हैं उनको रेगुलेट करना है। चौथा, जो मेट्रो है, बस है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। और पांचवा, पार्किंग शुल्क उसको बढ़ाने का जिससे कि लोग प्राइवेट गाड़ियां जो है वो ज्यादा ना बाहर लेकर के आए। तो ये 5 मुख्य तौर पर जो नए नियम इसमें जो है शामिल किए गए हैं, उसका मकसद यही है कि जो डस्ट का पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है, उसको और रिड्यूस किया जाए जिससे कि इसका इम्पैक्ट जो है लोगों पे कम पड़े। जो प्राइवेट गाड़ियां खासतौर पे जो फेरे बढ़ाने की बात होती है DTC या मेट्रो की, हमने पिछले सालों में देखा कि DTC आपका अलग से कुछ गाड़ियां हायर करता है, तो क्या उसके लिए कोई बातचीत है परिवहन? अभी ग्रैब 2 के जो सारे नियम है इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, इसके लिए 1 बजे दिल्ली सचिवालय में सभी अधिकारियों की हमने बैठक बुलाई है, और उसमें इसके जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्ययोजना है अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे। जिस तरह का AQI का लेवल पिछले दिनों में दिखा है, लगातार ये बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जल्दी आपको ग्रैब 3 की नौबत आ जाए लगाने की, तो उसके लिए क्या कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं? उसमें कंस्ट्रक्शन पे प्रतिबंध हो जाता है, बाकी कई? देखिए, अभी तो ग्रैब 2 का नियम लागू हुआ है, जब ग्रैब 3 के सिचुएशन में AQI पहुंचेगा तो उसके अनुसार फिर कार्ययोजना बनाएंगे हम।